मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व नजदीक आ रहा है। माँ दुर्गा के कई भक्त इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देने वाली ये है कि नवरात्रि पर 9 दिनों का व्रत रखते समय कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो माँ दुर्गा की आराधना में विघ्न उत्पन्न होता है। इससे माँ दुर्गा नाराज होती है। अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, नवरात्रि में अगर आप घर में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों को घर खाली छोड़कर कहीं ना जाए। अगर घर से बाहर जाना जरूरी है तो किसी रिश्तेदार या कोई खास परिचित को घर में रहने दें। नंबर 2, चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोले या उठने की गलती कतई भी ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। नंबर 3, जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना होता है कि 9 दिनों तक वे अपने नाखून, दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल नहीं कटवाए। ये सारे काम नवरात्रि के प्रारंभ होने से पहले ही निपटा ले या फिर नवरात्रि खत्म होने के बाद करें। नंबर 4, व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े से बनी चीजें जैसे कि बेल्ट, चप्पल, जूते या बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 5, व्रत रखने वाले लोगों को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। साथ ही खाने में प्याज, लहसुन और मांस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, 9 दिन का व्रत रखने वाले लोगों को गंदे या बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 7, 9 दिनों तक व्रत में खाने में अनाज और नमक का सेवन करना नहीं चाहिए। नंबर 8, विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि नवरात्रि व्रत के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए। नंबर 9, पुरुष और महिला दोनों ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में व्रत के दौरान शारीरिक संबंध ना बनाए। नंबर 10, व्रत के दौरान कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू का सेवन करने लगते हैं, जो कि गलत है। ऐसा करने से माँ दुर्गा का व्रत सफल नहीं होता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ये चीजों को ध्यान रखकर नवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त करके माँ दुर्गा की असीम कृपा पा सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।